कैसे हो अभी? तो ठीक है, ऐसे बोलो कैसे हो? कैसे हो? अभी ने आज है ना नेकर पहन रखा है। गुड बॉय। चलो बैठ के, चलो देखो बेड को कैसे कर दिया अभी ने, सारे दिन ऐसे ही करता रहता। चलो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रही हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। टीवी की आवाज़, चलो टीवी की आवाज़ करती हूँ, मैंने आवाज़ इसकी बंद कर दी थी। तो अभी के लिए इधर मैंने बनाना रखे हुए। अच्छा अच्छा, कम बेटा जल्दी आओ, तो ये इसको बनाना खिलाऊंगी। एक आओ बेटा, जल्दी आओ, तो आ जाओ। तुम्हारा टीवी चल गया, देखो ये क्या निकाल रहा है। सॉस है, सॉस बेटा ऐसे नहीं खाते। सॉस ऐसे कौन खाता है? इसको होता है, कभी इसको सॉस खाने का, कभी नूडल्स खाने का, कभी मैगी खाने का, कभी कुछ खाने का, इसका ऐसे मन करता रहता है। तो चलिए अभी को बनाना खिलाते हैं, उसके बाद में लंच बनाते हैं। और लंच में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, काम में लेट हो गई, वीडियो लेट ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो कल रील्स हुआ था ना वो वाला वीडियो, अभी सुबह में मैंने उसको एडिट किया था, तो सारे काम में लेट हो गई। तो फिर लेट ही आज का मतलब लोग स्टार्ट हुआ, और आज है मंडे। हाँ मेरा, चलो इसको थोड़ा सा सॉस डाल के देती हूँ, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है, मेरी जान लेके रहेगा ये बच्चा। मतलब होता है ये बच्चे, मतलब अपने भी आ जाते हैं ना, तो फिर किसी की नहीं। सोचा था इसको मैं एक बनाना खिला दूंगी, लेकिन ये देखो कैसे मतलब रो रहा था सॉस के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है मैं सॉस लेके आती हूँ। तो अभी आप लोग अभी का रिएक्शन देखिए। देखो इसको पता है कि कैमरा ऑन है, तो ये सोच रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। तो ये देखिए अभी आपको बता के जा रहा है कि मैं इधर बनाना रख के बाहर जा रहा हूँ। मुझे एडिट करते हुए बहुत मतलब हंसी आ रही थी, देख लड़का क्या करता है पीछे से। तो अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉस डाल के लेके आई थी, लेकिन ये सॉस ना स्पाइसी वाला था थोड़ा सा, तो इसको मतलब अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसने खाया नहीं। फिर मैंने इसको बनाना खिला दिया था, बस इसको तसल्ली पड़ गई थी कि हाँ मुझे मिल गया है, तो इसने खा लेता है फिर ये। तो उसके बाद में अभी को बनाना खिलाया। फिर सुबह में कुछ ये बेडशीट धो के डाली हुई थी जो कि सूख चुकी थी, और सामने आप लोग देख रहे हो उधर एक लड़का भी है छोटा सा, वो भी अपने मतलब कपड़े उतार रहा है, क्योंकि दोपहर हो गई थी, सारे कपड़े सूख चुके थे। तो मैंने सोचा पहले मैं उनको ले आती हूँ, फिर मतलब ज़्यादा ही वो हो जाती है ना धूप, तो फिर कलर उड़ने लगता है कपड़ों का। तो चलिए अभी कपड़े लेके चलते हैं। तो अभी मैंने बेडशीट को भी समेट के रख दिया अच्छे से, और आज सच में आधी टेंशन दूर हो गई, बेडशीट मतलब धुल गई है, क्योंकि जब मशीन नहीं होती है ना तो बड़ी टेंशन रहती है कपड़ों की धोने की। तो उसके बाद में मुझे लंच बनाना था, और मैंने आपको बताया काफ़ी लेट हो गया था आज मुझे, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ जल्दी से जो बन जाए, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था। फिर अगर सब्जी रोटी बनाती ना तो और ज़्यादा लेट हो जाता, फिर खाने का कोई भी टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी राइस लिया, कटोरी आप लोगों ने देखी थी कितनी थी, एक कटोरी थी वो कमी थी एक कटोरी से, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मतलब इसके अंदर पानी डालूंगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए है, और ये मसाले थे सूखे, इनको मैं भिगो के रखती हूँ, तो ये डाल दिया। अब ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाएंगे ना, उसके बाद में हम इसके अंदर टमाटर और एक ये आलू रखा है मैंने, इसको साथ में ऐड कर दूंगी। और मटर नहीं थे, अगर मटर होते ना तो पुलाव हरे भरे बन जाते, बहुत अच्छा लगता, मतलब नमकीन चावल बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते। तो बस यहाँ पे इनको थोड़ा सा मसाले के अंदर भून लेंगे, और उसके बाद में ये मैंने राइस धुल के रखे हुए हैं ना, ये मैं इनमें डाल दूँगी। और जितने आप मतलब राइस लेते हो ना उसका डेढ़ गुना, अगर आप एक कटोरी राइस लोगे ना तो डेढ़ कटोरी पानी डालना, आधी कटोरी राइस तो एक कटोरी ही पानी डालना, ऐसे कुछ मतलब इसका मेजरमेंट होता है, जिसमें परफेक्ट आता, ना ही तो पानी ज़्यादा रहता है ना ही कम रहता है। और मेरे से शायद थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया, क्योंकि मैं एक कटोरी के चक्कर में रह गई, और मैंने एक कटोरी से कम ही राइस लिए थे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी बने थे। तो ये कुछ राइस यहाँ पे गिर गए थे स्लेब पे, तो मैं साथ के साथ ही इस पे भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि पानी सा मतलब गिरा रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं दिखता। तो बस जो पुलाव है, नमकीन चावल जो भी, वो मतलब बन के रेडी हो चुके हैं, और इनका प्रेशर भी अभी ख़त्म हो चुका, तो देखते खोलते कैसे बने हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद में मैंने बनाए हैं, तो कोई आइडिया नहीं है मुझे कैसे क्या बने होंगे। और वैसे भी थोड़ा सा मैंने बताया आपको जल्दी में, ये देखिए कितने मतलब कि अच्छे दिख रहे हैं, लंबे लंबे बासमती राइस थे। तो चलिए अभी इसको मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, काफ़ी अच्छे बने हैं।
बिल्कुल भी पानी नहीं है इनमें। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी ज़्यादा, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाए थे क्योंकि अभी ऐसे ही राइस खाता है। तो चलिए अभी का पहले तो रिएक्शन देखते हैं, मैं तो उसको बुलाती हूँ। अभी 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 देखो मम्मा ने क्या बनाया खाने में, जल्दी आओ देखो क्या बनाया है। नूडल्स नहीं है बेबी, आप बताओ क्या है। ये राइस है, हाँ राइस है। इधर बोलो बोलो, आप सब भी खा लो। हाँ ऐसे बोलो, आप भी खा लो खाना। अभी खाना खाएगा, अभी खाएगा। हाँ नूडल्स है, चलो तो इसको ये नूडल्स नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं इसको खिला के। अरे बच्चा ना, मम्मा अपने हाथ से लिखवाती है। खुद से लिखिएगा, ये रहा एक चौक इधर है, एक चौक। हाँ चौक खाना नहीं, हाँ अभी चौक नहीं खाता। कृष्णा ऐसे थोड़ी बनता है, कृष्णा के कान है। चलो जूस पी लो आप अपना, लो देखो अभी आपका जूस, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस पी लिया अभी। ऐसे नहीं खाते, ढक्कन से पिलाऊं। ढक्कन से चलो, हो गया हो गया। रहने दो, अंदर में डाल देंगे, छोड़ दो। मजा आएगी, मजा है। अच्छा तेरे को बड़े सताने। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मैं हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर उठ के मैंने अभी का जूस बनाया और चाय बनाई, और अभी को आज चौक मिल गई थी लिखने के लिए, तो ये इन पे लिख रहा था और वापस डस्टर से मतलब साफ़ कर रहा था। इसका ये चल रहा था आज, इसको नया खेल मिल गया था ये कि तो अभी हम लोग जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, क्योंकि कल हम पूरे दिन से बाहर नहीं निकले थे, तो सोचा कि आज चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। राउंड लगाने के बाद में हम लोग वापस आ चुके थे और अंधेरा भी हो गया था। तो यहाँ पे अभी के लिए एप्पल कट कर रही थी क्योंकि आज मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल दिया था। रोज़ मैं इसको बनाना खिलाती हूँ लेकिन आज निकाल दिया था। कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाती हूँ निकालना, तब बनाना ही खिला देती हूँ फिर जल्दी में। तो अभी थोड़ा सा नाराज़ हो रखा था क्योंकि मैंने इसको डांट के बिठाया था, ये रुक नहीं रहा था, मतलब कि किसी चीज़ को किधर फैला रहा था, कभी कहीं फैला रहा था। और अभी खेल रहा है रूम में, और आज वो नाराज हो गया था। उसको मैंने एप्पल मतलब कट करके दिया ना, खा नहीं रहा था, उसको फेंक रहा था। फिर मतलब कि कई देर बाद में उसने जाके मतलब उसको थोड़ा मनाया, फ़ोन वगैरह दिखाया, तब जाके उसने खाया। तो ये देखिए इसमें मैंने चने की दाल है उसको बॉईल कर लिया है, और देखिए मैंने इसमें भी थोड़ी हल्दी डाल दी थी और इसमें भी हल्दी डाल दी है। पता नहीं कैसा कलर आएगा दाल का। और रोटी दाल बनाएंगे अभी क्योंकि आज दिन में सब्जी रोटी नहीं बनी थी ना इसीलिए। तो चलिए जल्दी से मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ और इस कूलर को चलाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी इस वक्त। तो चलिए अभी दाल में
बाद में जल्दी से तड़का लगाते हैं, छौंक लगाना, रोटियां बनानी है, उसके बाद में करते हैं डिनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्या होता ना, मुझे चावल से हो नहीं पाता, फिर मैंने थोड़े ही बनाए थे, और जैसे रोटी नहीं खाते ना तो पता नहीं एक अंदर से तलब सी होती है कि आज हमने कुछ खाया नहीं, कुछ मिस ज़रूर किया है, तो रोटी का मतलब कि ज़रूरी है ही खाने में। तो बस सारा काम रेडी है, दाल में छौंक लगाना। मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा और थोड़ा सा मतलब कि राई डाला है मैंने, फिर टमाटर प्याज सारे मतलब मसाले, जैसे सब्जी बनाती हूँ ना वैसे दाल में छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर भी पक चुके हैं और यहाँ पे फाइनली मैं दाल डाल दूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी, 10-15 मिनट के लिए और पकने दूँगी, और उसके बाद में साथ साथ में मैं अपना और भी काम करती रहूँगी। और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है, और यहाँ पे जो बर्तन हो गए ना थोड़े से, जो अभी दाल पकाई थी, कुछ और भी हो जाते हैं जिसमें हम चाय पानी पिया था वो सब, तो उनको मैं साथ के साथ ही साफ करके रख दूंगी। तो ये देखिए अभी हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका है, और ये है अभी की थाली, और ये इधर हमारी है, और उसमें दाल रखी वो बाद में डालूंगी, और इस पैकेट में दही रखा है वो हम लोग खाएंगे। तो चलिए अभी के लिए खाना लेके चलते हैं, भूख लगी है उसे काफ़ी। अभी 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 देखो खाना, अरे खीरा खाएगा मेरे बेबी, खीरा अच्छा लगता है अभी को। अभी एक मिनट इसके बाद बंद कर दे बेटा, चल तू खीरा खा ले एक मिनट इसको बंद कर दे, नहीं करना तो चलो सबको बाय बाय बोल दो, बोल दो थैंक यू, कहता बोलो अभी खाना खाएगा अभी, हाँ और अभी आप लोगों से कल बातें करेगा। तो अभी मैं भी नहा ली हूँ, और मैंने अभी को भी नहला दिया, अभी इसको तेल नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही इसके बाल। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, अभी को खाना खिलाएंगे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आगे मैं इसको करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ दूसरा वीडियो मैं अभी जस्ट कंटिन्यू मतलब स्टार्ट कर लूँगी अभी। तो चलिए गाइज, आज का छोटा सा वीडियो था हमारा, बस अभी हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब कि कुछ बनाने का सोच रही हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा सोच रही हूँ, अभी पक्का नहीं होगा नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखो बच्चा शैतानी करेगा, अभी इसमें फ़ोन में देखेगा वही डांस ये करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अभी बाय बाय कर दो, बाय बाय तो करो सबको, आप भी कर दो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।